भाईजान, इन हिंदुस्तानियों को हम कच्चा खा जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत माता की जय। और हमारे भारतीय कप्तान अपने सैनिकों को सजाते हुए, जितना सजाना है सजाओ सजाओ, हम तैयार हैं बजाने के लिए। इसी के साथ पाकिस्तानी टीम के नईम और जैद अपनी पारी की शुरुआत करते हुए, अब देखना यह है कि पाकिस्तान अपनी शुरुआत कैसे करता है। भारत ने पहले बॉलिंग का जिम्मा लिया है और ये पहली गेंद। भारत की तरफ से पहला ओवर फेंकने आ रहे हैं सुमन। इसी के साथ नईम ने बहुत अच्छी तरीके से खूबसूरती से खेल दिया है 4 रनों के लिए। इसी के साथ जैद ने बहुत ही खूबसूरती से खेल दिया है, बॉल जा रही है सीधा सीमा रेखा की तरफ, लेकिन वहां पर अमर मौजूद है और उन्होंने बॉल को फील्ड कर लिया। इसी के साथ पाकिस्तान अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए, एक छोर से नईम और दूसरे छोर से जैद धुएंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए और लगातार अपनी टीम के रनों का इजाफा करते हुए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पाकिस्तानी टीम और दर्शकों में काफी हर्षोल्लास है। और ये रवि ने बॉल किया और मोहन ने अपील की है LPW की और एम्पायर ने साफ नकार दिया है। और ये जावेद मियादाद की तरह मोहन को चिढ़ाते हुए, दर्शक काफी मायूस और भारतीय कप्तान काफी गुस्से में। और अब दूसरी बॉल देखिए ये कैसे जाती है। इसी के साथ सुमन अपनी अगली बॉल करते हुए, जैद ने उठा दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बॉल के नीचे है अमर, देखना ये है कैच होता है या नहीं। बहुत ही खूबसूरती से अमर ने कैच पकड़ लिया है और भारत को पहली सफलता। इसी के साथ भारत के दर्शकों में काफी उत्साह, 40 रन पे पहला विकेट पाकिस्तान का। भारतीय दर्शकों में काफी उत्साह है, जैसा कि देखा जा रहा है कि दर्शकों के साथ साथ भारतीय सैनिकों में भी काफी हर्षोल्लास। अमर ने कैच लेके पाकिस्तान की पहली विकेट गिराई। इसी के साथ अपनी अगली बॉल करते हुए अमर, नईम और जिलानी बहुत ही खूबसूरती से पार्टनरशिप कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक शिखर तक ले जाते हैं। इसी के साथ पाकिस्तान के दर्शकों में काफी हर्षोल्लास और साथ ही साथ हिंदुस्तान के कप्तान एक नई रणनीति बनाते हुए। और ये क्या हो रहा है, भारतीय कप्तान ने सुमन से बॉल लेकर के बिट्टू सरदार को दे दिया है। लगातार अपनी रणनीति में फेर बदल, हिंदुस्तानी कप्तान ने बॉलिंग में परिवर्तन किया। भारतीय कप्तान की रणनीति भी कुछ खास काम करती नजर नहीं आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं नईम और जिलानी लगातार स्कोर में बढ़त देते हुए। इसी के साथ जिलानी ने बहुत ही खूबसूरती से उठा दिया है बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी के साथ पाकिस्तान लगातार मजबूत और पढ़ते हुए, रवि अपने ओवर की अगली बॉल करते हुए, जिलानी आगे बढ़ के खेलना चाहते थे और इसी के साथ वो क्लिप बोल्ड हो गए। इसी के साथ पाकिस्तान का एक अहम बल्लेबाज पवेलियन लौटते हुए और पाकिस्तान का निजी स्कोर 82 पे 2 विकेट। पाकिस्तान की पारी को संभालने के लिए अगले बैट्समैन आ रहे हैं अली रजा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की ये पार्टनरशिप टूटने के बाद पाकिस्तान के स्कोर पे अंकुश सा लग गया है। पाकिस्तान के प्लेयर जैसे रनों के लिए जूझ रहे हो। भारतीय कप्तान की ये नई रणनीति काफी कारगर साबित हो रही है। कप्तान रवि की ये अगली बॉल, इसी के साथ मोहन ने बड़ी चतुराई से गुलिया बिखेर दी और पाकिस्तान को ये 3rd झटका। और ये क्या, अली रजा अपनी विकेट खोने के बाद काफी आक्रोश दिखाते हुए, दोनों ही प्लेयरों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई है और बीच बचाव के लिए अंपायर को आना पड़ा। और अमर की ये अगली बॉल, परवेज आगे निकल के खेलना चाहते हैं और इसी के साथ मोहन ने बहुत ही चतुराई के साथ इनकी गिल्लियां बिखेर दी है और पाकिस्तान को ये 4th झटका। जैसे कि शुरुआत में पाकिस्तान की स्थिति काफी मजबूत होती नजर आ रही थी, उसी तरह से भारतीय प्लेयर भी इस गेम पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, इसी के साथ पाकिस्तान की एक विकेट और जाती हुई, लगातार भारत अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए। जिस तरह से भारतीय सेना बॉर्डर पे काफी चौकन्नी रहती है, उसी तरह से क्रिकेट ग्राउंड पे भी काफी चौकन्नी नजर आती हुई। यहाँ का क्षेत्र नक्षत्र भी भारतीय टीम का बहुत अच्छा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि भारतीय कप्तान एक दीवार की तरह बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए हैं और उनका क्षेत्र रक्षण बहुत ही उम्दा है। रवि बहुत चोट लग गई, क्षेत्र रक्षण करते हुए भारतीय कप्तान को काफी चोट आई है, उन्हें ड्रेसिंग रूम भेज दिया गया है। ये पैर दे टके सुधरेंगे नहीं। अमर की ये अगली बॉल नईम के लिए, नईम इसे बैकफुट पर आकर के हवा में खेल दिया है, बॉल अभी है हवा में, देखना ये है, बॉल के नीचे खड़े हैं सुनील और सुनील ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैच को लपक लिया है, पाकिस्तान को ये 6rd झटका। इसी के साथ भारतीय दर्शक दीर्घा में एक खुशी की लहर दौड़ उठी है, चारों तरफ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ भारतीय सेना में भी काफी हर्षोल्लास।
पाकिस्तान के विकेट गिरने की जैसे झड़ी लग गई हो, एक के बाद एक विकेट गिरते ही जा रहे हैं। इसी के साथ ये सातवां विकेट। पाकिस्तान की स्थिति में थोड़ा सा सुधार नजर आता हुआ, क्योंकि अहमद और मुर्तजा काफी चतुराई के साथ खेल रहे हैं। अगर इनकी पार्टनरशिप ऐसी ही बनी रही तो भारतीय टीम के लिए काफी खासी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अहमद ने ये उठा दिया है, बॉल जा रही है अमर के पास, और ये क्या, पाकिस्तानी दर्शकों में से किसी ने पत्थर फेंका है और वो पत्थर अमर को जा लगा। ये भारतीय टीम के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो। और ये कमबख्त पाकिस्तानी अपनी औकात पे आ गए, अपनी जाति इन्होंने दिखा दिया, हमारे दो प्लेयरों को धोखे से जख्मी कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, पाकिस्तान के कप्तान मेजर फारूक जो कि काफी अच्छे बल्लेबाज है, वो अभी तक क्यों नहीं आए। सुमन की अगली बॉल मुर्तजा के लिए, और मुर्तजा क्लीन बॉल। भारतीय टीम के दो प्लेयरों के जख्मी होने के बाद पाकिस्तान के कप्तान ने आकर के जैसे रनों की छड़ी लगा दी हो। एक बार तो पाकिस्तान की स्थिति बीच में काफी लड़खड़ाती नजर आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे एक मजबूत स्थिति की ओर जाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है ये मेजर फारूक की एक रणनीति थी। मेजर फारूक की ये रणनीति काफी कारगर साबित हुई। इसी के साथ पाकिस्तान का एक विशाल स्कोर 20 ओवर में 180 रन। क्या वो इतना विशाल स्कोर चेस कर पाएंगे या नहीं? सर, एक बात समझ में नहीं आवत, रवि बुरी तरह से घायल हो चुकल बा, अमर भी जख्मी बा, हमारा साथ ओपनिंग जाई के। सर सर देखो दोस्तों, फील्डिंग जोशो खरोश के साथ करनी है, बस बॉलिंग तो ऐसी है कि उनके बाप भी नहीं हरा सकते हम लोगों को। बॉलिंग में तो मैं इनकी धज्जियां उड़ा दूंगा। चलो चलो चलो, हेलो चलो चलो। मोहन, वन डाउन के लिए रेडी रहना। सर, दूसरी पारी की शुरुआत। भारत की तरफ से मेजर तिवारी और सुनील ओपनिंग करने के लिए पिच पर आ रहे हैं। जैसा कि हमने सुना है, अभी तक मेजर ने एक भी मैच नहीं खेला है, और ये निर्णायक मैच में इस तरह का फेरबदल, ये बात कुछ हजम होती नहीं नजर आ रही है। मेजर साहब, देखिए होता क्या है। हे भगवान, आज बंठाधार हो गई प्रभु, हे बजरंगबली इज्जत बचैया प्रभु, हे भगवान। हिंदुस्तान के सामने 180 रन का विशाल स्कोर, ये पहाड़ जैसा स्कोर, इसको चेज करने के लिए जिस बल्लेबाज को भेजा गया है उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर लगता नहीं कि इस बल्लेबाज ने कभी बल्ला ही नहीं उठाया होगा। क्या मेजर साहब, कभी बैट पकड़े हो? ऐसी आगे मुंह उठा के चल चल सीधा इधर इधर। भारतीय बल्लेबाजों में परिवर्तन, और सलामी बल्लेबाज के तौर पे सुनील के साथ मेजर शुभम मैदान में, और मुर्तजा बॉलिंग करने के लिए तैयार। पहले ओवर की पहली बॉल मुर्तजा डालने जा रहे हैं, मेजर तिवारी खेलने के लिए तैयार। मुर्तजा, मुर्तजा ने रनिंग स्टार्ट की, मुर्तजा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फ्रंट फुट पर आकर के बॉल सीधा हवा में उछाल दिए, और सीधा बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अब्बास भाई के जोरू की गोद में छक्का। मुर्तजा की दूसरी बॉल मेजर तिवारी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है 6 रनों के लिए छक्का। हर शुरुआत से ही इस गेम पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मेजर तिवारी लगातार रनों की बौछार कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो उन्हें कैसी बॉल डालें। पाकिस्तानी प्लेयरों के बीच आपसी सूझबूझ नजर नहीं आ रही है, और तालमेल की भी काफी कमी दिखाई दे रही है। अगर ये पार्टनरशिप ऐसी ही जमी रही तो भारतीय टीम को अपने लक्ष्य तक पहुँचने में कोई नहीं रोक सकता। और मेजर शुभम पाकिस्तान को पहले जा रहे हैं, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। लौटते हुए अगली स्ट्राइक लेने आ रहे हैं मोहन। अभी भी भारतीय सेना को 13 ओवर में 128 रन की जरूरत है, जबकि भारतीय टीम के दो प्लेयर इंजर्ड हैं। मोहन ने आते ही एक दमदार पारी की शुरुआत की है। अगर ये पार्टनरशिप नहीं तो पाकिस्तान को खासा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तानी दर्शक दीर्घा में काफी रोश, इसी के साथ भारतीय दर्शक दीर्घा में काफी उत्साह। नईम, नईम अपने ओवर की अगली बॉल लेकर राइट आउट ओवर द विकेट, और ये मोहन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है सीधा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। नईम राइट आउट ओवर द विकेट,
हल्का सा पुश करना चाहते थे मोहन, और इसी के साथ ये कैच आउट। पाकिस्तान के मेजर फारूक बहुत ही चालाकी और चतुराई के साथ उनका कैच लपक लिया है। इसी के साथ भारत को ये दूसरा झटका 80 रन के स्कोर पर। भारतीय दर्शक दीर्घा में अभी काफी मायूसी सी छाई हुई है। जो बोले सो निहाल, जय श्री राम, जय श्री राम, अल्लाह हू अकबर। अपना रावलपिंडी का शेर घुसेगा तेरी ओर। रावलपिंडी का शेर इधर बम्पर शेर बैठा है। जिलानी की अगली बॉल और बिट्टू सरदार ने बहुत ही खूबसूरती के साथ घुमा दिया है। बॉल सीधा जा रही है सीमा रेखा के बाहर। क्रिकेटरों के साथ देखा है, लेकिन आज पहली बार फौजियों को खेलते देख हमारा सेना चौड़ा हो गया। और जैसा कि जाना जाता है कि क्रिकेट प्रतियोगिताओं का खेल है, इसमें लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं कहा जा सकता है कि जीत किसकी होगी। और ये बिट्टू सरदार ने उठा दिया बॉल सीधा जा रही है शायद के हाथ में। इसी के साथ भारत को ये तीसरा झटका। ए चल चल चल। नीलकमल जा बढ़िया से खेलिया और टिक के खेलिया। ठीक है। भारत के 3 विकेट गिरने के बाद जैसे रनों पे अंकुश सा लग गया हो। और ये एक और विकेट, इसी के साथ भारत का ये चौथा विकेट गिरता हुआ। भारत अभी 1-1 रन के लिए जूझ रहा है। जिस तरीके से भारत ने अपने पारी की शुरुआत की थी, माना तो ऐसा जा रहा था कि वो 15 ओवर में ही पूरा गेम जीत लेगा। रवि, तोहरा से अच्छी स्थिति हमार बा यार, तू आराम करो, हम खेले जाता नहीं। ना अमर, अभी हमारा टीम के हमार जरूरत बा जे टिक के खेल सके। और रहल बात हमारा हालत के, तो जब तक इस सांस के आस पास चल बा तब तक हम अपना हिंदुस्तान खातिर खेलब। तू पैड बांध के रेडी रहिया। हिंदुस्तान के घायल कप्तान अपनी डगमगाती हुई पारी को संभालने के लिए पिच पर आते हुए हार से डर गए हैं, मुंह छिपा रहे हैं, इसीलिए घायल कप्तान मैदान में वापस आ रहे हैं। हारेगा नहीं मारेगा। ये अगली बॉल सुनील के लिए। सुनील ने बहुत ही खूबसूरती के साथ स्कोर किया है। इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए 1 रन। बहुत ही खूबसूरती के साथ बोर्ड किया सीधा 4 रन। भारतीय कप्तान क्रीज पर आते ही जैसे रनों की झड़ी लगा दिए और धीरे धीरे करके भारतीय दर्शक दीर्घा से मायूसी जाते हुए। उड़ मत बेटा, उड़ मत, अपनी अकड़ अपनी जेब में रख। सुधार जो बेटा, आज तुम लोग को हराने से कोई रोक सकता नहीं हमें। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जिंदाबाद। और ये अगली बॉल सुनील के लिए। सुनील ने बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है। बॉल हवा में, बॉल के नीचे है नहीं और कैच आउट। इसी के साथ भारत की ये पार्टनरशिप टूटती हुई। भारत को ये 5वां झटका। इसी के साथ भारत का स्कोर 17 ओवर 135 रन 5 विकेट पर। अब सारा देश की उम्मीद तोहरे पापा। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, हिंदुस्तान की आखिरी उम्मीद अमर ही बचे हैं। देखिए ये कैप्टन रवि का साथ दे पाते हैं या नहीं। भाईजान कमान, ये तो पहले से टूटा फूटा है, और एक बॉल लगेगी बिखर जाएगा। अवश्य सुनील, अवश्य। और ये अगली बॉल अमर के लिए बहुत ही खूबसूरती से दिया। और ये बाउंसर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। चिलानी की है दूसरी बॉल, और दूसरी बॉल पे भी अमर बीट हुए। डर गया क्या? शेर का बच्चा हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये भी जाने वाला है, नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा। और चिलानी की ये तीसरी बॉल बहुत ही खूबसूरती से अमर ने उठा दिया है। बॉल सीधा जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी के साथ भारत के स्कोर को 6 रन की बढ़त मिली और भारत का स्कोर होता है 141 रन। एक बात बताओ, शेर जान के पास आया था या जान खुद चल के शेर के पास गई थी? चल। पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं अमर और रवि, बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का स्कोर इतना बड़ा है, अभी वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा है भारतीय टीम, जबकि भारतीय टीम के पास ना तो ज्यादा ओवर बचे हैं और ना ही बल्लेबाज। चार रन, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है पॉइंट की दिशा में। और इसी के साथ भारत का निजी स्कोर होता है 161 रन 19 ओवर पे। अब देखना यह है क्या भारत एक ओवर में 20 रन बना पाता है या नहीं। अगर भारत एक ओवर में 20 रन बना लेता है तो भारतीय सेना के मुताबिक बॉर्डर यहीं बनेगा, और अगर नहीं बना पाता है तो पाकिस्तान 5 किलोमीटर अंदर आ जाएगा।
6 बॉल 20 रन और पहली गेंद लेकर के तैयार कैप्टन फारूक रवि के लिए, और ये दौड़ना शुरू किया राइट आर्म ओवर द विकेट रवि के लिए। बहुत ही खूबसूरती के साथ रवि ने उठा दिया है, बॉल सीधा जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। खेल आ गया है एक निर्णायक मोड़ पर, 5 बॉल 14 रन। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, इनका कुछ करना पड़ेगा वरना हम मैच हार जाएंगे। शुरू 5 बॉल 14 रन, मेजर फारूक अपनी अगली गेंद के लिए तैयार। अब देखना यह है कि होता क्या है। दर्शक दीर्घा में एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा सन्नाटा। मेजर फारूक अगली गेंद के लिए, मेजर फारूक ने दौड़ना शुरू किया राइट आर्म ओवर द विकेट। कैप्टन रवि ने खेल दिया है डीप कवर की तरफ, बॉल जा रही है सीधा सीमा रेखा की तरफ, नहीं वहां मुर्तुजा मौजूद है, देखना यह है मुर्तुजा इसे रोक पाते हैं या नहीं। ओ मिस थ्री, और ये 4 रन। इसी के साथ भारत का स्कोर होता है 177 रन। अभी भी भारत के पास 4 बॉलें शेष हैं और बनाने हैं भारत को 10 रन। और ये क्या, मुझे लगता है रवि के हाथ की चोट उभर आई है और रवि के हाथ से काफी खून निकल रहा है। रवि, भारतीय कप्तान रवि अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। अब देखना यह है क्या भारत 4 बॉल पे 10 रन बना पाता है या नहीं, जबकि वो काफी जख्मी है। मेजर फारूक अपनी तीसरी गेंद लेकर तैयार और दौड़ना शुरू किया राइट आर्म ओवर द विकेट रवि के लिए। रवि ने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिया है, बॉल सीधा जा रही है सीमा रेखा की तरफ। अब देखना यह है प्रवेश पकड़ पाते हैं बॉल को या नहीं, और फिर से मिस थ्री, और इसी के साथ ये 4 रन। क्या चल रहा है जनाब? अरे चौका लगा तेरा माई के दामाद बनो। अमर, रवि तुरा हाथ से तो बड़ा खून बहता यार। हाँ मर, बहुत दर्द हो रहा है, अब हम ना खेल पाए, अब हम तो के एक रन लेके स्ट्राइक देते नहीं। हिंदुस्तान की लाज बचा ले भाई, अब तुरे हाथ में सब कुछ है। रवि और अमर आपस में बात करते हुए, इन्होंने क्या निर्णय लिया? भारतीय टीम के 2 बेहतरीन प्लेयर जीतने के लिए रणनीति बनाते हुए 6 रन। फारूक तीसरी बॉल फेंकने के लिए तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट रवि के लिए। रवि ने हल्के से कट कर दौड़ के 1 रन ले लिया है। स्ट्राइक रोटेट हुई, स्ट्राइक पे आए अमर। जबकि रवि इतना अच्छा खेल रहे थे, ये नहीं समझ में आता कि उन्होंने अमर को स्ट्राइक क्यों दे दी। लगता है जख्मी होने के कारण रवि ने 1 रन लेकर पाकिस्तानी टीम के लिए जीत का एक बहुत ही बड़ा मौका है, क्योंकि स्ट्राइक रोटेट हुई है। जैसा कि आप देख ही रहे थे, रवि बहुत अच्छा खेल रहे थे, स्ट्राइक रोटेट होने की वजह से अमर आए हैं स्ट्राइक पे। मेजर फारूक ने दौड़ना शुरू किया राइट आर्म ओवर द विकेट अमर के लिए। अमर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है, बॉल जा रही है सीधा सीमा रेखा की तरफ, और दौड़ करके तब से 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए भी दौड़े। ये क्या, नईम ने क्षेत्र रक्षण किया। फारूक चिल्ला रहे हैं पकड़ने के लिए, तब तक अमर ने दौड़ करके 2 रन पूरे किए। इसी के साथ भारत का स्कोर होता है 178 रन। अभी भी भारत के पास 1 बॉल शेष और रन 3। 1 बॉल और 3 रन, 1 बॉल और 3 रन, बस आज यही निर्णय हो जाना है भारत और पाकिस्तान का। भगवान हमारे ओर से हैं। एक बॉल आज इतिहास रचेगी, अब देखना यह है कि जीत किसकी किस्मत में लिखी है। दर्शक दीर्घा में काफी सन्नाटा छाया हुआ है, सन्नाटे वाली बात ही है। 1 बॉल 3 रन, क्या भारतीय खिलाड़ी अपनी टीम के लिए कुछ कर पाते हैं या नहीं, ये तो कुछ क्षणों में ही पता चल जाएगा। आज तक ऐसा मैच मैंने वर्ल्ड कप में भी नहीं देखा था। जिस तरीके की टेंशन आज के मैच में है, पहले कभी किसी मैच में मैंने नहीं देखी। मेरे 25 साल के कैरियर में आज तक दर्शक दीर्घा में इतनी खामोशी कभी नहीं देखी।
पहला पटाखा तेरे लिए।